तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपको कौन सी रैम और कितनी रैम को यूज़ करने वाली है। तो रैम सेलेक्ट करने के 5 फैक्टर होते हैं। फर्स्ट इज कैपेसिटी, लाइक 8 GB, 4 GB, 16 GB। अगर आप कोई गेमिंग पीसी बिल्ड करने वाले हैं तो आपके पास कम से कम 16 GB रैम होने ही चाहिए ड्यूल चैनल के ऊपर। या आप कोई कॉलेज स्टूडेंट हो जो आप एमएस ऑफिस यूज़ करते हो, क्रोम वगैरह सर्फिंग करते हो, स्टडी वीडियोज़ देखते हो, तो आपको जो 8 GB रैम सफिशेंट है। लेकिन अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशंस पे काम करते हो एक टाइम के अंदर, तो आपको कम से कम 16 GB से ऊपर की रैम चाहिए होंगी। तो जितना ये नंबर हायर होगा उतनी बेटर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज जनरेशन। आज के टाइम पे 2023 में दो ही जनरेशन चल रही है, वन इज DDR4 एंड सेकेंड इज DDR5। DDR5 जो है न्यू लेटेस्ट जनरेशन है। इवन आज के टाइम भी आपको काफी पीसी बिल्ड्स या काफी लैपटॉप्स देखने को मिल जाएंगे जिसमें DDR4 यूज हो रही है, तो आप DDR4 यूज कर सकते हैं 2023 के अंदर। नेक्स्ट इज स्पीड। जनरेशन के बाद जो आपको नंबर दिखाई देता है रैम के अंदर, लाइक 3200, 2400, वो होती है रैम की स्पीड्स, और उसको हम डिनोट करते हैं मेगाहर्ट्ज के अंदर। तो ये नंबर जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छी रैम आपको निकल कर देगी, उतनी स्पीड अच्छी होगी। जनरली लोग सिर्फ इसी को स्पीड फैक्टर मानकर चलते हैं, लेकिन स्पीड किसी और फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है, लाइक उस रैम की लेटेंसी का है। तो आप जो स्क्रीन पर नंबर देख रहे हो रैम के साथ CL4, CL14, ये आपको बताती है कि रैम की लेटेंसी क्या है। लेटेंसी मतलब आपका जो पीसी है रैम मेमोरी में से कितनी जल्दी डाटा को रीड कर पाएगा। तो ये नंबर जितना छोटा होगा उतना ही आपका जो है रैम फास्ट होगी। नेक्स्ट इज RGB। RGB काम आती है अगर आप डेस्कटॉप पे अच्छा व्यू लाना चाहते हो, एक अच्छा सिस्टम बनाना चाहते हो जो दिखने में अच्छा लगे, तो आपको RGB प्रेफर करनी चाहिए, अदरवाइज परफॉर्मेंस में इसका कोई इशू नहीं निकल के आता। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं अगर आप कोई भी रैम सेलेक्ट कर रहे हैं अपने पीसी बिल्ड के लिए।